सो गाइज वी आर बैक अगेन विद अनदर न्यू सीन ऑफ मेरे हम सफर. दिस इज एपिसोड नंबर 6 एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन. दिस इज एपिसोड नंबर 6 पार्ट 1 एंड देखते हैं अभी आगे क्या होने वाला है बिकॉज हाला को बहुत परेशान कर दिया है शाहजहान आंटी ने. और हाला की जो दादी हैं वो चाहती हैं कि वो और हमजा उसकी शादी करा दें. बट शाहजहान सुसाइड बॉम्बर बन चुकी थी, उनको सुसाइड करने का बड़ा शौक चढ़ गया था, बट बचा लिया रईस अंकल ने उनको. एंड देखते हैं अभी आगे क्या होता है एंड आगे हमजा कब आएगा वो भी देखना है. एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस वन, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो गाइस आप सोच रहे होंगे हमने ये क्यों डाले हैं, क्यों, व्हाई मैन, व्हाई? इट्स बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी. हेयर ड्रायर नहीं चलता है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वर्टर है ना हमारे पास, तो उससे हेयर ड्रायर बालों का सत्यानाश हुआ पड़ा है. उनको दिखाए तो चंपी लगूंगा, चंपू लगेंगे ना हम इसलिए. वो तेरे नसीब की बारिश किसी और की छत पे बरस गई. अरे भाई बहुत वाहियात था. मेरी बात सुन, बहुत वाहियात. उसे भूल जा, उसे भूल जा. क्या ही चलता है भाई इसका, क्या ही चलता है. ओ दोस्त भूल गई, क्या एक्शन है. लेकिन तुम ये ना बोलना कि तुम्हारे बदले में एक दफा उसे और एक दफा मुझे पसंद किया गया था. बस और पता बात क्या है, जब तुम्हारे अंदर की खबासियत तुम्हारे चेहरे पे आती है ना बहुत अच्छा लगता है. तो मुश्किल ये है पसंद करे तो जूस मार रहा है, जूस मार दिया, जूस फिला दिया. तो किसी कुछ पहनी का शिकार मत रहे. अगर मेरे भाई के बारे में गलती से भी सोचा ना तो तुम्हारी आंखें निकाल कर हाथ में रख दूंगी. फिर कंचे समझ कर खेलती रहना. हालांकि ना ऐसे वो नहीं करना चाहिए, जुल्म सहना नहीं चाहिए भाई. और सहना भी गुनाह है. तोड़ जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को, धड़ा धड़. और हाँ उस बेचारी को भूख लगी थी, भूख मार दी उसकी है बेचारी. स्टेडियम से बाहर ये सीन हुआ है तुम्हारे साथ. मैं कहती थी ना हर रूज को जवाल होता है. 100 सुनार की एक लोहार की. क्या किया है ना अल्लाह मियां तुमने, आला क्या बोलने चले जा रही है. तुम्हें पता है तुम्हारे सारे मसले हल हो गए हैं. तुम हमजा से शादी के लिए हाँ कह दो, हमजा को अपने कब्जे में करो. तुम्हारी ताई को दिन में तारे दिखेंगे, सीने पे ऐसे सांप लौटेंगे ना जिस लड़की को वो इतनी नफरत करती थी, जब वो बहू बनके उसके घर में आ जाएगी. नहीं मैं सभी नाम जब पसंद करती घोड़े जैसे करती है. देखो मैं हमजा से कभी मिली लॉल, ये बहुत बड़ा लॉल है. हमजा अच्छा है तो तुम हाँ कर. नहीं ना, नहीं चाहिए मुझे. क्यों ना करने की कोई वजह तो होती है, तुम मुझे कोई वजह बताओ. ठीक है, क्या सबब है तुम्हारी जिंदगी में, कोई है, तुम किसी को पसंद करती हो, ऐसा कुछ नहीं है ना. तो फिर लाइब्रेरी की तरह पता नहीं उल्टे हाथ पे जाके पता है हमें. बताओ बोलती बंद हो गई ना. मैं करती हूँ पसंद किसी को. अच्छा पसंद करती हो, ठीक है. नाम बताओ, कौन है, कहाँ रहता है, क्या सीन है. नहीं बता सकती क्योंकि कोई है ही नहीं. नहीं बता सकती ना. हालांकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारी लाइफ में कोई है और ये तो मुझे नहीं बता सकती. नहीं बता सकती ना शोभार. जूस तो पी लो, मेरी इतनी हलाल की कमाई का जूस लेके आई हूँ. तंग कर रहे तुम भी, तंग कर. अच्छा अच्छा सॉरी, जूस पी लो, मैं तो मजाक कर रही थी. वैसे मैं तुम्हें अकल की बात बता रही हूँ, अगर तुम सोचो तो. मुझसे बदगुमान मत हो सूफिया. डिस्प्रिन आंटी पानी में डाल के सुबह से अपने कमरे में बंद हो. मैंने अपने कानों से सुना है आपा, और आप कह रही हैं. मैं तुम्हें कब झुठला रही हूँ. लेकिन सूफिया तुम रईस की फितरत से तो वाकिफ हो ना. समीन को अपनी बहू बनाने के लिए मुझे उनकी मर्जी की वजह बतानी थी ना. लेकिन आपकी गर्ज भी तो नजर आ गई. आप समीन को क्यों बहू बनाना चाहती थी.
अब तुम ज्यादती कर रही हो। तुम याद करो मैंने जमीन को तुमसे कब मांगा था, जब वो पंगूड़े में थी। पंगूड़ा? उस वक्त उसके हाथ में कोई डिग्री नहीं थी। पंगूड़ा क्या होता है भाई? देख लो, ऐसी सोच रखने वाले के साथ मैंने जिंदगी गुजारी, लेकिन बस अब और अपनी औलाद की खातिर मैं कुछ भी कर दूंगा। क्या करोगे आंटी जी? सब फसाद की जड़ हाला है, उसकी नुसरत का पल्ला हमारे बच्चों की खुशियों के गिर्द फैल गया है। पहले रूमी, फिर समीन और अब हमजा, वो आपकी उम्र भर का सरमाया ले उड़ेगी। आपा कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन मैं भी अब चैन से नहीं बैठूंगी जब तक इस मनहूस को इस घर से निकाल लो। फूफो ने भी हाला का नाम ले लिया, कितनी खुदगर्ज औरत हूँ। अपने कंधे और टखने दबाने के लिए एक छोटी और मक्कार लड़की को बहू बनाने लगी। ना फायदा बस। मैंने तो कहा हाला से चिल कर और कजन से शादी करने के लिए हाँ कह दे, ताई को भी मजा आ जाएगा। कैसा? ठीक ही कहा तुमने। अरे ऐसी औरत के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। नहीं नहीं, मेरे ख्याल में ठीक नहीं होगा। जो भतीजी समझ के उसका लिहाज नहीं रखती, अगर वो लड़की उनकी बहू बन जाएगी तो सिलबट्टे पे रख के उसे पीस डालेगी। उस बेचारी की तो जिंदगी अजाब हो जाएगी। क्या कर रहे हो, दबाओ ना सही तरह। अल्लाह बच्ची के हाल पे रहम करे, सारा कसूर उसके बाप का है। एक बार भी पलट कर खबर ना ली इसकी। ओहो, मसला बाप नहीं है ना, मसला ये है कि हाला किसी और को पसंद करती है। इसको भी डर लगेगा। ये क्या कह रही हो तुम? कौन है वो? यही तो क्या? मैं हैरान हूँ, सारे वक्तों मैं हाला के साथ होती हूँ, ये लड़का उसे मिला कब? मुझे बता ही नहीं रही। शबक तुम उसकी इतनी गहरी दोस्त हो, तुम्हें पूछना चाहिए था उससे कि कौन है वो। हाँ बिल्कुल सही कह रही है, पूछना चाहिए था। पूछा तो है, कहती है लड़के के कोई मसाइल। देखो उसे समझा देना कि सोच समझ के कदम उठाए, बहुत से लड़के धोखा दे जाते। भाई मुझे तो ये बात हजम नहीं हो रही, खुद से लड़का पसंद किए बैठी है, दिखने में तो बड़ी सीधी सादी लगती है, भाई मुझे ऐसी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं। कहाँ? तुम कहाँ जा रहे हो? वो एक इम्पोर्टेंट कॉल है, मैं भी आ रहा हूँ। चाय को छुआ तक नहीं, चाय ठंडी हो गई। चपल चाय गर्म पिलाओ जल्दी। मैं आता हूँ खाला जान। अरे हाला, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। तुम मुझे बीच रास्ते छोड़ गए थे, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। इतनी सी बात पर? इतनी सी बात नहीं है, मेरी इज्जत मेरे लिए सब कुछ है। क्या बात? तुमने मेरी बहुत इंसल्ट किया। अच्छा, यानी उस बात का बदला लेने के लिए तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? क्या मतलब? मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुमने शफक से क्या बोला? मैंने कुछ नहीं कहा उसे। मुकर जाओ आप, मुकर जाओ। हाला, तुम्हें क्या जरूरत थी शफक के सामने ये बकवास करने की कि तुम किसी को पसंद करती हो? मैंने तुम्हें तोते की तरह पढ़ाया था कि ये जुमला तुम्हारी जबान पर नहीं आना चाहिए, मगर तुम्हों के बताए बिना चारा नहीं था। तोते की तरह पढ़ाया था बोले, लेकिन मैंने उसे नाम नहीं बताया, मैंने उसको लड़के का नाम नहीं बताया, क्योंकि आपसे वादा किया था तो मैंने उसको नहीं बताया, हालांकि वो बहुत खफा भी हो। मेरी बात सुनो तो, अगर तुमने शफक के साथ कोई ऐसी बात की या उसे कुछ भी पता चला तो मैं तुमसे हर रिश्ता खत्म कर दूंगा, मुझे हमेशा के लिए खो दोगी तुम। शफक ने सुन लिया होगा ना, नहीं सुना, शुक्र है। क्या हुआ? किससे झगड़ रहे थे तुम? बताओ अभी क्या हुआ? बताओ। किससे झगड़ा कर रहे थे? हाँ?
नहीं मेरा मतलब कि तुम क्यों आई? तुम्हारे लिए चाय लेकर। थैंक यू। तुम्हारी चाय कहाँ? मैंने तो पी ली थी, तुम अपनी चाय अंदर भूल आए थे, वही देने आई तुम्हें। ओ हाँ हाँ, ये दोनों लड़कियों को धोखा दे रहे हैं। बहुत ही डेंजर आदमी है भाई ये, कसर वो डेंजर। क्या हुआ, कोई मसला है फिर? ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली तुम्हारी थैंक यू तुम्हारी सहेली है ना, क्या नाम है उसका, हाला कश्माला, हाला हाला, exactly. ऐसे कर रहा है जैसे पता नहीं रोज आती है घर पे, फिर भी जिंदगी में क्या चल रहा है तुम्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ? आई मीन किसे पसंद करती है वो? नहीं, लेकिन मैं भी जल्दी मालूम करके रहूंगी। तो उसी वक्त मालूम कर लेते। रोने लग गई थी, और वो जो लड़का है ना उसने कोई कसम वसम दे रखी है कि बताना नहीं। तो नहीं बताएगी वो, आई मीन कसम तो नहीं तोड़ेगी ना। मैं अपनी कसम दे दूंगी, फिर तो बताना पड़ेगा, मुझे नाराज नहीं कर सकती। शफक प्रेशराइज करोगी उसे, तुम्हें भी गुनाह मिलेगा और उस हाला को भी। ओहो, मेरा और हाला का मामला है, जो भी हो गुनाह समाप्त। हम अपने बारे में बात नहीं कर सकते क्या? अपनी अपनी क्या बात? वही जो आजकल अम्मी और खाला के बीच में चल रही है, तुम्हारी और मेरी मंगनी की बात। पता है तो अबू भी मानते हैं। तुम्हारे अच्छा कपड़े तो नहीं गंदे हुए? ठीक। क्या हुआ? कैसा है ना ये बंदा, कसम से है। एक काम कहा था मैंने, क्या बना उसका? आप हुक्म करें अम्मा। मिठाई मंगवाई थी हाला और हमजा के नाम पर, बटवा देती मैं। सॉरी अम्मा वो। नहीं सॉरी की कोई बात नहीं है, अपने बल्ले से मंगवा लेती हूँ। नहीं अम्मा, मैंने बात की थी हमजा से, लेकिन उसने मना कर दिया है इस शादी से। मना कर दिया? यानी कैसे इनकार कर सकता है वो अभी के अभी? मेरी बात करवाना जरा उससे। अम्मा मैं आपकी बात तो करवा दूंगा, लेकिन आप उस पर दबाव डालेंगी और? हाँ बिल्कुल डालूंगी, ये हक है मेरा। आपका हक तो है, आपके हक से तो कोई इनकार नहीं कर सकता, मगर ये इसलिए कि सारी जिंदगी का मामला है, कोई एक दो रोज की बात तो है। मैं उसको समझाऊंगी। अम्मा आप समझाएंगी तो वो आपकी बात मान भी जाएगा, आपको इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अम्मा खुश नहीं रह सकती। अगर खुद खुश नहीं रहेगा तो किसी दूसरे को कैसे खुश रख सके? मगर आप आइए ना मेरे साथ, आइए आइए। मना लिया भाई मानसी को, मना लिया भाई। ये देखो आंटी कैसे हंस रही, शाहजहां आंटी। गाइज ये था हमारा रिएक्शन ऑन मेरे हमसफर एपिसोड नंबर 6 पार्ट 1। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड था ये, एंड वी थरली एंजॉयड इट, एंड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मज़ेदार। अब सबसे ज़्यादा भी इंटरेस्टिंग ये होने वाला बिकॉज खुर्रम और हाला और शफक ये तीनों के बीच में कुछ, जब भी किसी को भी खुर्रम के बारे में जब पता चलेगा तब देखना क्या होगा और आगे देखना है आगे सीन क्या होने वाले हैं। और अगर बाय चांस हाला के बारे में और खुर्रम के बारे में शाहजहां आंटी को पता चल गया भाई, भाई उसकी इज्जत निकाल देगी वो कसम से आंटी भाई।
एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये बहुत थ्रिलिंग नाटक है ना और इंटरेस्टिंग है. सो देखते हैं अभी नेक्स्ट पार्ट भी अभी आ जाएगा थोड़ी देर में. सो लेट्स सी.